हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स हाई चैनल। अगर आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एक फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया में 1387 फंक्शनल जेल्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 3.5 लाख प्रिजनर्स की, लेकिन वहाँ पर 4 लाख से भी ज़्यादा प्रिजनर्स रहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है कि जेल्स में ओवरक्राउडिंग एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसी न्यूज़ के चलते, इसी प्रॉब्लम के चलते आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रिजन रिफॉर्म्स। Let us see why was it in news. Supreme Court is about to set up a committee headed by its retired judge on prison reforms. This committee is going to look into the problems, suggest some measures, और special focus रहेगा imprisoned mothers with their children और overcrowding की problem पे। अब हम लोग देखते हैं कि prison reforms की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जेल भेजने का main purpose क्या है। To bring offenders back to the mainstream of society. हम ये भूल जाते हैं कि ज़्यादातर कैदी सज़ा पूरी करने के बाद सोसाइटी में वापस आने वाले हैं। अगर वो जेल में इतनी बुरी कंडीशन में रहेंगे जो उनको टॉर्चर करेगा, तो बाहर आकर वो अच्छे इंसान तो क्या, एक और बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे। प्रिजन रिफॉर्म्स पे इतने सालों से काम क्यों नहीं हुआ है? प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है, इस पर कानून बनाना, उस पर काम करना, सारी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है। दूसरा प्रॉब्लम है कि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं हैं। जो भी प्रिजन में रहते हैं, अगर उनके पास वोटिंग राइट्स होते तो आज पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडर्स जरूर उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में इंटरेस्ट लेते। तीसरा पॉइंट है कि प्रिजन इज स्टिल गवर्न्ड बाय प्रिजन एक्ट 1894। सोचिए आप, प्री इंडिपेंडेंस की एक्ट अभी तक प्रिजन पे लागू होती है, और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कितना वक्त बदल चुका है। हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्रिजन में बहुत कम लेवल पे चेंजेस दिख रहे हैं। नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम्स इन प्रिजन्स। सबसे पहला प्रॉब्लम है ओवरक्राउडिंग है जेल्स के अंदर। ओवरक्राउडिंग से सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है, जैसे कि वहाँ पे सफिशिएंट फूड नहीं होगा, सफिशिएंट जगह नहीं होगी सोने की, और जेल्स में इस तरह से तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। सेकंड इज वुमेन प्रिजनर्स विद चिल्ड्रन, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। देन डिले इन ट्रायल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 67% ऑफ द केसेस जो भी प्रिजनर्स जेल में हैं वो सारे के सारे अंडर ट्रायल्स हैं। ये हमारा डिले जस्टिस का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद है टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट, निग्लेक्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, इनसफिशिएंट फूड एंड इनएडिक्वेट क्लोथिंग, प्रिजन वाइसेस, डेफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ। ऑब्वियसली उनको बाहर की दुनिया से बिल्कुल कम्युनिकेशन कट करके अंदर रखा जाता है, उनको बाहर आना जाना अलाउड नहीं है। हालांकि कुछ स्टेट्स में ओपन जेल जैसा सिस्टम है। देन है करप्शन एक्सेट्रा, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं में काफ़ी सारी इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी सोचा ही नहीं प्रिजन रिफॉर्म्स पे काम करने का। कई कमिटीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, इनको आप ज़रूर अपने आंसर में मेंशन करिएगा। जस्टिस मुल्ला कमिटी रिपोर्ट ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स 1980s में आई थी, अर्ली 1980s में, 82 to 83। देन जस्टिस कृष्णा अय्यर कमिटी स्पेशली वुमेन प्रिजनर्स पे फोकस करके बनाई गई थी 1986 to 87, इनकी रिपोर्ट भी आई थी। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, दे हैव गिवन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ व्हाट एल्स अवर प्रिजन। हमारे प्रिजन्स में जो जो प्रॉब्लम है उन पे बहुत अच्छे से इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। जस्टिस मुल्ला कमिटी ने अपना स्पेशल फोकस बताया था रिपोर्ट में कि अंडर ट्रायल्स जो हैं वो प्रिजन्स में इतने ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ओवरक्राउडिंग का मेन इशू आ रहा है। फिर उसके बाद आया था ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन इन 2007। इसको प्रिपेयर किया था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। इन रिकमेंडेशंस की आती तो रहती हैं, लेकिन अभी तक इनको इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम स्टेट्स रहे हैं। नेक्स्ट वी विल लुक एट सम मेजर्स और सजेशंस टू बी इम्प्लीमेंटेड। प्रिजन रिफॉर्म्स में हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रिजन एक्ट 1894, जो प्री इंडिपेंडेंस की एक्ट है, उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है। सेकेंड, बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रिजन्स में, उसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। थर्ड, जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो प्रिजन को कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के बारे में सोचना चाहिए। फोर्थ, जैमर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जेल्स में आज भी सेलफोन्स करप्शन की वजह से पहुंच जाते हैं, जिससे गैंगस्टर्स अपने बाकी के गैंग के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को फिर भी कंटिन्यू रखते हैं। फिफ्थ इज़ ओपन प्रिजन्स फॉर रिहैबिलिटेशन सिस्टम। कई स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में ओपन प्रिजन का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। ओपन प्रिजन में क्या होता है, रूल्स थोड़े से कम स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कैदी होते हैं उन्हें बाहर जाकर काम करना अलाउड होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम तक वापस आना ज़रूरी होता है।
तो इस तरह से वो अपनी सोशल लाइफ से जुड़े रहते हैं, और जब जेल से छूट के बाहर जाते हैं तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जिस तरह से कम्युनिकेशन कट करके रखा जाता है तो वो एक तरह से मेंटल ह्यूमिलिएशन है। सिक्स्थ, एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एवेन्यूज फॉर अंडर ट्रायल एंड प्रिजनर सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि लो पर्सोनल पॉपुलेशन रेशियो भी प्रिजन्स में काफ़ी बड़ा इशू है, तो इसलिए स्टाफिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट्स शुड अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ विजिटर्स। ये बोर्ड ऑफ विजिटर्स क्या करेंगे, ये प्रिजन्स का इंस्पेक्शन करेंगे, वहाँ पे जो रह रहे हैं कैदी उनकी लिविंग कंडीशंस को इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट्स देंगे। फिर योगा, मेडिटेशन, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहना चाहिए जिससे वो मेंटली फिट रहें। कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी को भी ऐड करना चाहिए प्रिजन्स में, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो इंडिया में अभी नहीं है। इससे क्या होगा, जो प्रिजनर्स हैं वो अपनी फैमिली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हैं और कम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहेंगे। फिर उसके बाद है हार्डन्ड क्रिमिनल शुड बी कैप्ट इन अ सेपरेट सेल। डेफिनेटली जो ज़्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने मल्टीपल मर्डर्स किए हैं, सीरियल किलर्स हैं या फिर रेपिस्ट हैं, इनको सेपरेट सेल में रखना चाहिए, जिससे छोटे मोटे जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए हैं, उनके साथ ना रखें, क्योंकि उनके ऊपर बुरा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड, जैसे कि फिजिशियंस हो गए या गायनेकोलॉजिस्ट हो गई, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वुमेन के लिए भी डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस लुक एट सम यूपीएससी सैम्पल क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी 2018 मेंस एग्जाम। तो फर्स्ट है इसमें, क्रिटिकली डिस्कस द नीड फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स अक्रॉस इंडिया। सेकेंड इज द स्लो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया हैज़ पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन प्रिजन्स, डिस्कस द इशूज एसोसिएटेड विद द इंडियन प्रिजन्स, ऑल्सो सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स। थर्ड क्वेश्चन बनता है, इन योर ओपिनियन डिस्कस करिए कि प्रिजन रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है इंडिया को, या फिर हाउ शुड द रिफॉर्म्स एड्रेस द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन विद देयर जेल्ड मदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जेल्ड मदर्स और उनके चिल्ड्रन के साथ हमें क्या क्या उनको बेटर तरीके से रखा जा सकता है। अगर आपका क्वेश्चन एथिक्स से रिलेटेड है कि कैसे हम एथिकली उनके साथ, प्रिजनर्स के साथ गलत कर रहे हैं, तो आप इन कोट्स को यूज कर सकते हैं। महात्मा गांधी सेड, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। नेल्सन मंडेला सेड, अ नेशन शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन्स बट इट्स लोएस्ट सिटीजन्स। सो इफ इट इज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एथिकल पर्सपेक्टिव, देन यू कैन यूज दिस कोट्स। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन इन प्रिजन। अराउंड 4% ऑफ वुमेन इन इंडिया लिव इन प्रिजन एंड अराउंड 1800 चिल्ड्रन लिव विद देम। अ सोशल वर्कर वर्तिका नंदा हैज टोल्ड कि बाहर रहने वाले लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है कि जेल में रहने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता कि खरगोश कैसा दिखता है या फिर एक पैरट कैसा दिखता है। सो जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, दे डू नॉट नो हु आर द रिलेटिव्स एंड व्हाट आर रिलेटिव्स, दे हैव जस्ट स्पेंड देयर लाइफ विद द क्रिमिनल्स। जो भी बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स ने क्राइम किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग अप टू 6 years ऑफ एज बच्चों को जेल में रहना अपने पेरेंट्स के साथ अलाउड है। सम स्पेशल सजेशंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन जेल्स, so you can incorporate these points in your answer. First is counseling and designing child friendly spaces inside jails. ऐसे जगह बनानी चाहिए बच्चों के लिए अलग से, जहाँ पे बच्चे 3 साल तक के हैं तो क्रेचेस बनाने चाहिए, नर्सरीज होनी चाहिए 6 साल तक के बच्चों के लिए, तो बच्चे ताकि नॉर्मल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कर सकें। सेकेंड इज कम्युनिटी सर्विस मिलनी चाहिए उन वुमेन को जो नॉन वायलेंट ऑफेंस करके आई हैं। मोस्टली कहते हैं कि 67-68% वुमेन ऐसी होती हैं जो खुद क्राइम का शिकार होने के बाद क्राइम करती हैं और उसके बाद जेल में आती हैं, एंड मोर देन 50% आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसलिए उनको साइकोलॉजिकल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड इज प्रोटेक्टिंग वुमेन इनमेट्स फ्रॉम सेक्शुअल और नॉन सेक्शुअल वायलेंस एंड देयर फोर्सफुल इनिशिएशन इनटू सब्सटेंस अब्यूज वाइल इन कस्टडी। फॉर दिस चिल्ड्रन एंड वुमेन कुड बी हाउस्ड एट वन प्लेस। रीसेंट जो बिहार और यूपी में इंसिडेंट्स हुए हैं शेल्टर होम्स वुमेन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि हमें वुमेन और चिल्ड्रन को सेपरेट सेफ तरीके से रखना चाहिए। बेटर एकोमोडेशन फैसिलिटीज इन जेल्स फॉर वुमेन हु गिव बर्थ इनसाइड द प्रिजन फॉर एटलीस्ट अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। बच्चे के जन्म लेने के बाद से 1 साल तक उसको स्पेशल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और उसको स्पेशल मेटर्नल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। Now let us see the conclusion. You can go about the conclusion like this. The entire process of prison reforms looks like an uphill task, but it is a fundamental right of a person to be treated in just and humane manner, be it a prison.
A lot of assertive effort needs to be done by policy makers. Otherwise, the criminal justice system isn't well served if jails continue to be in such shambles. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. अब हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.